हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए आईआईटी बीएचयू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे पोस्टर यहाँ पे निकल के आ रही हैं। जैसे कि ये नोटिफिकेशन है, इसको हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसी के हिसाब से जॉब ला सकें आप सबके लिए ढूंढ ढूंढ के। अब बात करते हैं सीधे वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मल्टीपल जॉब्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी हैं। इसका जो फॉर्म है स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर से भरना, और जो लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023 आपकी यहाँ पे रहने वाली है। पोस्टें देखिए यहाँ पे बहुत सारी हैं। टेक्निकल ऑफिसर की है, फिर जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सैलरी की बात कर लेते हैं तो एग्जैक्ट सैलरी नहीं दी गई है, लेवल के हिसाब से दिया गया है। लेवल 10 और लेवल 3। लेवल 10 में आपका करीबन 90,000 और लेवल 3 में आपका कुछ नहीं करीबन 60-70,000 के आसपास यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाएगी। बाकी आप जो इनका रिजर्वेशन है अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जो बेसिकली पोस्ट है उसके लिए अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी पोस्टें हैं जो हमारे मतलब की, हम सब उसी के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर ग्रुप 2 के बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने बीई बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। या फिर अगर एमटेक कर रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया है इन लेवल 8 ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है। इसके बाद फ्रेशर के लिए भी पोस्टें हैं, वो भी वीडियो में बने रहें, आगे मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। नेक्स्ट, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर अगर बीईबीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन लेवल 8 ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा MS Word, MS Excel और पावर पॉइंट की जानकारी भी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए। यहाँ पे मैकेनिकल की ये पोस्ट है। यहाँ पे अगर आपने बीईबीटेक इन मैकेनिकल कर रखा है तो उस केस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर यहाँ पे आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर डिप्लोमा है तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट अगर बीटेक वाले हैं तो फ्रेशर लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगेन MS Word, पावर पॉइंट और इन सब की जानकारी होनी चाहिए। सेम यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप 2 की वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आपने अगर बीईबीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा किया है तब भी अप्लाई कर पाओगे, बट मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। फिर सेम यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप 3 की यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आपने बीईबीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कम्प्लीटली एलिजिबल है। बट अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है सिविल में तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसी के अलावा MS Excel, पावर पॉइंट और MS Word की जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ पोस्टें हैं जो कि हमारे मतलब की हैं, बाकी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। सारी पोस्टें रेगुलर बेसिस पे हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल और OBC के लिए 500 रुपीज़ है, बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री है। और जो हमारी फ्रेशर लेवल पे पोस्ट है वहाँ पे फीस 250 रुपीज़ है, बाकी SC ST के लिए फ्री है। बाकी और जनरल और OBC के लिए 250 रुपीज़ फीस है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे जाके आप अप्लाई कर पाओगे। फीस सब भर देना अपनी। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो एग्ज़ाम होगा, बट अगर कम आती हैं तो इंटरव्यू पे भी सिलेक्शन हो सकता है। कुछ यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। अगेन, अगर आप रिटर्न निकाल लेते हो और अगर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू देने के लिए तो उस केसेस में आपको TA DA दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। अप्लाई करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगेन, इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you.